डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन अ मैट्रिक्स स्पेस। कंटिन्यूटी की थ्योरम, एग्जांपल्स और रिजल्ट्स हो चुके हैं, अब हम करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। सो लेट xd and yd star be two metric spaces. A function f from x to y is said to be uniformly continuous on x if for given epsilon positive, there exist delta positive such that whenever x1 and x2 are two points in x and the distance between them is less than delta, then distance between their images should be less than epsilon, right? तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से हम क्या समझते हैं कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमारे पास डेल्टा होना चाहिए ताकि उस मैट्रिक्स स्पेस में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है, तो उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, राइट? देन वी से दैट फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, राइट? तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज ऑलवेज टॉक्ड ऑफ ऑन मैट्रिक्स स्पेस, इट इज नेवर टॉक्ड ऑफ ऑन ए पॉइंट, ठीक है? सो कंटिन्यूटी की बात हम किसी पॉइंट पे करते हैं, बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं होती, इट इज टॉक्ड ऑफ ओनली ऑन ए मैट्रिक्स स्पेस ऑन द होल, राइट? हाँ जी। सो नेक्स्ट वी हैव एन एग्जांपल ऑन इट। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स इन आर, then show that this function is not uniformly continuous, ठीक है? हाँ जी, हमें पता प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये के पूरे रियल नंबर पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, राइट? हाँ जी, सो यू कैन सी दैट क्लियरली द फंक्शन f is continuous because every polynomial is continuous. X square is a polynomial. Okay. Now we have to show that this function is not uniformly continuous. So let epsilon positive be given. Okay. अगर हम ले लें epsilon को यहाँ पे ले लेते हैं. I take epsilon to be. चलो बाद में देखते हैं. Now we show that for this epsilon there is no delta, ठीक है? Okay. For this epsilon we want to show that there is no delta such that this definition is satisfied. So let delta be any positive, ठीक है? अब हम show करेंगे इस epsilon के लिए ये delta काम नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस epsilon के लिए कोई भी delta काम नहीं करेगा, right? Okay. So I take x2 a real number such that x2 is bigger than epsilon upon delta, ठीक है? मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया जो इससे बड़ा है, epsilon एक रियल नंबर है, delta एक रियल नंबर है, so epsilon upon delta भी क्या होगा, एक रियल नंबर। इस रियल नंबर से बड़ा मैंने एक रियल नंबर ले लिया जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, x2 का। Now I define x1 to be x2 plus delta by 2, ठीक है? अब मैं डिफाइन करती हूँ x2, सॉरी, हाँ जी, एक और पॉइंट विच इज डिफाइंड एज x2 प्लस डेल्टा बाई 2, सो दैट यू कैन सी x1 माइनस x2 का जो मॉडुलस है दैट विल बी डेल्टा बाई 2, ठीक है? सो दिस विल बी लेस देन डेल्टा। सो x1 एंड x2 आर टू पॉइंट्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेस देन डेल्टा, ठीक है? नाउ व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देयर इमेजेस, व्हाट इज f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, it is equal to x1 square by definition of f, fx2 is x2 square by definition of f. Now what is this, what is x1, x2 plus delta by 2 ka whole square minus x2
स्क्वायर एक्स वन एक्स टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स टू टाइम्स डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई फोर का मॉडुलस, राइट। हाँ जी, नाउ दिस इज पॉजिटिव बिकॉज एक्स टू एक पॉजिटिव से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, देयरफॉर वी कैन रिमूव दिस मॉड साइन। सो इट इज एक्स टू टाइम्स डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन फोर। नाउ वॉट इज दिस बिगर देन, दिस इज बिगर देन एक्स टू टाइम्स डेल्टा, ठीक है। एंड वॉट इज दिस बिगर देन, दिस इज बिगर देन एप्सिलॉन अपॉन डेल्टा टाइम्स डेल्टा, बिकॉज ये किससे बड़ा है, एप्सिलॉन अपॉन डेल्टा से, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज बिगर देन, इसका मॉडुलस किससे बड़ा आ गया, एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एप्सिलॉन के लिए ये डेल्टा काम नहीं करता, बट दिस इज एनी डेल्टा पॉजिटिव, देयरफॉर फॉर दिस एप्सिलॉन देयर इज नो डेल्टा पॉजिटिव, सच दैट दिस डेफिनेशन इज सेटिस्फाइड। क्योंकि जब भी मैंने दो पॉइंट्स ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिए जिनके बीच में तो डिस्टेंस लेस देन डेल्टा था, बट उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे बड़ा है, एप्सिलॉन से बड़ा है। सो इट मीन्स एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर, ठीक है। हाँ जी, नाउ एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो है फंक्शन एज वेल एज दिस डोमेन ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। अगर ये डोमेन को हम किसी तरह से छोटा या कोई और इंटरवल ले लेते हैं तो सेम फंक्शन को हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो जिस तरह से अगले एग्जाम्पल है, शो डैट द फंक्शन फ्रॉम 0, 1 क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 टू आर सच डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन तो सेम है, बट ये जो डोमेन है ये डिफरेंट है, इट इज नाउ ए क्लोज्ड इंटरवल 0, 1, ठीक है। सो एक थ्योरम भी है जो शायद आपको अगले चैप्टर में हो, कॉम्पैक्टनेस या कनेक्टेडनेस के चैप्टर में, कॉम्पैक्टनेस के चैप्टर में, विच सेज एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है ही, और ये क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, राइट। सो दिस कंटिन्यूस फंक्शन ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है। बट हमने वो थ्योरम नहीं की है, हम डायरेक्टली इसको प्रूव करेंगे दैट दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, राइट। सो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, ठीक है जी। हाँ जी, अब इस एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा ढूंढना है सच दैट दैट डेफिनेशन इज सेटिस्फाइड। सो लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी टू रियल टू पॉइंट्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू का मॉडुलस, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर का मॉडुलस, दिस इज मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है, इसका मॉडुलस। नाउ दिस इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, एक्स वन का मॉडुलस जो है वो किससे छोटा है, 1 से। एक्स टू का मॉडुलस भी किससे छोटा है, 1 से। सो ये मॉडुलस किससे छोटा होगा, 2 से। सो दिस इज 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। हाँ जी, अब ये चीज किससे लेस हो, ताकि ये चीज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, इसको मैं किससे छोटा कर लेती हूँ, 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाई 2 से, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सो दिस थिंग विल बी लेस देन एप्सिलॉन, it means f of x1 minus f of x2 will become less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 will be less than delta, where what should be delta, delta should be epsilon by 2, ठीक है। तो हमने ये देखना था कि ये डिस्टेंस किससे छोटा हो, ताकि ये डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो ये डिस्टेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स विल बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। सो फॉर दिस एप्सिलॉन व्हाट शुड बी डेल्टा, एप्सिलॉन बाय 2। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन वी हैव फाउंड अ डेल्टा for which the definition will be satisfied, right? So this function is uniformly continuous on this interval, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी सिर्फ फंक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये डोमेन पे भी डिपेंड करती है। यहाँ फंक्शन तो सेम था, बट डोमेन पूरे का पूरा रियल नंबर था। सो ये फंक्शन जो था, हमने प्रूव किया कि दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, बट दिस फंक्शन विच इज ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1, द सेम फंक्शन इज देयर, बट दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन, आइसोमेट्री। ये थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मैट्रिक्स स्पेसेस, देन
a 1-1 function f from xd to yd star is called an isometry if distance between x and y is same as distance between their images. ठीक है, for all x, y in x. ठीक है, हाँ जी. So when you say that a function from this metric space to this metric space is an isometry, if you take any two elements in x, then distance between them is same as distance between their images. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आपने x के एलिमेंट पे f अप्लाई किया, it becomes an element of y. This also becomes an element of y. तो इनके बीच में जो distance है, that will be given by d star. क्योंकि y के एलिमेंट्स पे जो metric है, वो कौन सी है? d star. So d of x y should be same as d star of f f x and fy. This should happen for all x, y in x. Then you say that the function f is an isometry from here to here, right? So based on it, there is an example. Prove that an isometry is a uniformly continuous function. हाँ जी, हमें प्रूव करना है कि कोई भी आइसोमेट्री जो होती है, दैट इज ऑलवेज अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन. सो लेट एक्स एंड वाई बी टू एलिमेंट्स इन एक्स. ठीक है, सो एफ इज अ मैप फ्रॉम एक्स टू वाई सपोज. ठीक है, सो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन. चूज एनी डेल्टा सच दैट डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन. अब हमें एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ढूंढना है जिसके लिए वो डेफिनेशन ट्रू हो जाए. तो हमारा क्लेम क्या है कि इस एप्सिलॉन के लिए अगर मैं कोई भी ऐसा डेल्टा ले लूंगी जो एप्सिलॉन से छोटा है, दैट विल वर्क, राइट? हाउ? व्हाट इज डी स्टार ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई? इट इज डी ऑफ एक्स एंड वाई, राइट? नाउ दिस विल बी लेस देन, इफ दिस विल बी लेस देन डेल्टा. ठीक है, तो डेल्टा किससे छोटा है? लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन से. सो डी स्टार ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा. इट मीन्स व्हाट वी हैव प्रूव दैट डी स्टार ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर डी ऑफ एक्स एंड वाई विल बी लेस देन डेल्टा. वेयर व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज एनी रियल नंबर विच इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन. ठीक है, सो एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एक्स. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रॉन्गर कंडीशन. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप? An isometry is always uniformly continuous. An uniformly continuous map is always continuous. ठीक है, तो uniform continuity की condition continuous से strong थी, but isometry की condition uniformly continuous से भी strong है, right? So next example, prove that every contraction mapping f from xd to xd is uniformly continuous on x. ठीक है, हमने प्रूव करना है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग जो है सेम मेट्रिक स्पेस से लेके सेम मेट्रिक स्पेस तक, दैट इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. बट सबसे पहले हमें डिफाइन करनी है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग. तो यहाँ पे मैं डिफाइन करती हूँ, एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स इज सेट टू बी अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इफ देयर एग्जिस्ट एन अल्फा विच इज लेस देन वन. अल्फा रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है विच इज पॉजिटिव एंड इज लेस देन वन, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई that is less than or equal to alpha times distance between x and y for all x, y in x. ठीक है, अगर सभी x, y के लिए, ठीक है, x के एलिमेंट्स के लिए डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई किससे छोटा हो? अल्फा टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, then we say f is a contraction mapping from x to x. ठीक है, तो now here do I get to prove that every contraction mapping is uniformly continuous. So let f from xd to xd be a contraction mapping. It means
there exists 0 less than or alpha less than 1 such that distance between fx and fy is less than or equal to alpha times distance between x and y for all x, y in x. Okay? Let epsilon positive be given. Okay? Now you take delta to be, हाँ जी पता ही चल जाएगा आपको, डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई किससे छोटा है, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई से. अब ये डिस्टेंस किससे छोटा हो, ताकि ये डिस्टेंस एप्सिलन से छोटा हो जाए, एप्सिलन बाय अल्फा से. सो दिस विल बी लेस देन एप्सिलन व्हेनेवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी लेस देन डेल्टा. वेयर व्हाट शुड बी डेल्टा, व्हाट शुड बी डेल्टा, एप्सिलन बाय अल्फा, राइट. क्योंकि जब ये एप्सिलॉन बाय अल्फा से छोटा हो जाएगा तो ये किससे छोटा हो जाएगा, अल्फा टाइम्स एप्सिलॉन बाय अल्फा व्हिच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, राइट. सो एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग फ्रॉम अ मैट्रिक्स स्पेस टू अ मैट्रिक्स स्पेस इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस. ठीक है, तो इस चैप्टर में गिनती की थ्योरम्स है, आपने ये थ्योरम सारी थ्योरम्स बड़े ही ध्यान से करनी है. ओके, थैंक यू.